सौतेली माँ और जादुई केले के पत्ते का गाउन। एक गांव में बिमला नाम की एक औरत अपनी दो बेटियाँ सुमन और काजल के साथ रहा करती थी। बिमला का पति सुरेश एक नंबर का कामचोर और नशेड़ी किस्म का इंसान था। वो हमेशा नशे की हालत में इधर उधर पड़ा रहता था, लेकिन बिमला को तो अपनी दोनों बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए उसने अपने खेतों में केले के कुछ पेड़ लगा दिए और उन्हीं केलों को बेचकर वे अपनी बेटियों का पालन पोषण करने लगी। और ऐसे ही कुछ महीने बाद बिमला फिर से गर्भवती हो जाती है। ये बात सुनकर सुरेश बिमला से कहता है, अरे मेरी बात को ध्यान से सुन, अगर तूने मुझे इस बार बेटा नहीं दिया तो मैं तेरी इन दोनों बेटियों को ले जाकर कूड़ेदान में फेंक कर आऊंगा, समझी। सुरेश की ये बातें सुनकर बिमला बहुत घबरा जाती है, क्योंकि बेटा हो या बेटी ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में ही होता है, लेकिन समाज की इस दकियानुसी सोच को भला कौन बदल सकता है। और इन्हीं सब की चिंता में बिमला धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और ऐसी अवस्था में भी वे खेतों में काम करके अपने शरीर को और भी कमजोर बना लेती है। तभी एक दिन ऐसे ही बिमला जब अपने खेतों में काम कर रही होती है, उसी समय अचानक से बिमला के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उस समय किसी की मदद न मिलने की वजह से बिमला वहीं पर एक बेटी को जन्म देकर अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद सुमन और काजल अपनी नवजात बहन अनन्या को अपनी गोद में उठाए जोर जोर से रोने लगती है। और वहीं सुरेश बिमला के जाने के एक दिन बाद ही कौशल्या नाम की दूसरी औरत से शादी करके उसे घर ले आता है। और कौशल्या घर में आते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है और कहती है, तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। जो तुम दोनों यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ोगी, इसलिए ये टोकरियाँ उठाओ, और जो तुम्हारी माँ ने केले के पेड़ लगाए हैं ना, उसमें से केला तोड़कर बाजार में बेच कर आओ, और जितने भी पैसे मिलेंगे चुपचाप से लाकर मुझे दे देना। और एक बात और, अपनी इस नवजात बहन को भी अपने साथ ले जाओ, वरना दिन भर रो रो कर मेरा सर खा जाएगी। इतना सुनकर काजल और सुमन सर पर केले की टोकरी और अपने हाथ में अपनी नवजात बहन अनन्या को लेकर बाजार में केले बेचने जाती है कि उसी समय अनन्या जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुमन कहती है, अरे ओ मेरी प्यारी बहन, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ। दीदी मुझे लगता है कि हमारी नन्ही सी बहन को भूख लगी है, क्योंकि हमारी सौतेली माँ ने तो कल से ही हमारी बहन को दूध नहीं दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे दीदी, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी बहन के लिए दूध खरीद सके। तुम चिंता मत करो काजल, अभी हम ये केले बेचकर अनन्या के लिए दूध खरीद लेंगे। इतना कहकर वे दोनों बहनें बाजार में केले बेचने चली जाती है और पेड़ के ताजे और सुंदर केले को देखकर उनके सारे केले बिक जाते हैं, जिसके बाद सुमन उन्हीं पैसों में से 20 रुपए निकाल कर उससे दूध खरीदकर अपनी छोटी बहन अनन्या को पिला देती है, जिसके बाद अनन्या चुप हो जाती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। जब थोड़ी देर बाद ये दोनों बहनें घर पहुंचती है तो कौशल्या कहती है, आ गई तुम दोनों, आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी थी, सारे केले बिक गए हैं ना। जी माँ, सारे केले बिक गए। तो वहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, ला मेरे पैसे दे इधर। इतना कहकर कौशल्या सुमन से पैसे लेकर गिनने लगती है, लेकिन उसमें से 20 रुपए कम होने की बात सुनकर कौशल्या गुस्से में कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे पैसे खर्च करने की। माँ, हमारी बहन को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए हमने बस उसके लिए थोड़ा सा दूध खरीदा था। काजल की ये बात सुनकर कौशल्या का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो काजल को एक थप्पड़ मार देती है। उसी समय सुमन रोते हुए कहती है, माँ आप हम लोगों को भले ही खाना मत दीजिए, लेकिन कम से कम हमारी इस नवजात बहन को तो दूध दे दीजिए, ये अभी बहुत छोटी है माँ। अरे तुम्हारी इस नवजात बहन का क्या, मैंने ठेका ले रखा है और आज इसके चक्कर में मेरे 20 रुपए खर्च हो गए, और अगर ये यहाँ पर रही ना तो न जाने मेरे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे।
इसलिए आज मैं इसको इसके असली ठिकाने पर पहुंचा ही देती हूं। इतना कहकर कौशल्या सुमन के हाथ से अनन्या को छीन कर उन दोनों बहनों को कमरे में बंद करके अनन्या को कूड़ेदान के डिब्बे के पास छोड़कर आ जाती है और कमरे में बंद दोनों बहनें अपनी नवजात बहन के लिए जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय कौशल्या कमरे का गेट खोलकर उनसे कहती है, अरे ओ अब ये रोना धोना बंद करो तुम दोनों और चुपचाप से घर के काम में लग जाओ, वरना तुम दोनों को भी तुम्हारी बहन के पास ही छोड़ कर आ जाऊंगी, समझी। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर दोनों बहनें डर जाती है और चुपचाप घर के काम में लग जाती है। और शाम को जब सुरेश नशे की हालत में घर आता है तो सुमन और काजल उसे सारी बातें बता देती है, लेकिन सुरेश उनका पक्ष लेने की बजाय उल्टा उन्हीं से कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छा किया कौशल्या ने, वरना तेरी माँ ने तो तुम दोनों को मेरी छाती पर बोझ बनाकर छोड़ दिया था। अरे तुम दोनों को भी मैं बचपन में कहीं छोड़ आता तो कितना अच्छा होता। अरे नहीं नहीं, अगर आप इन्हें छोड़ आते तो हमारे लिए काम कौन करता, और तुम दोनों यहाँ मेरे पति से मेरी ही चुगली कर रही हो, रुको तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर कौशल्या उन्हें जोर जोर से मारने लगती है और कहती है, बहुत पर निकल आए हैं ना तुम दोनों के, जब आज रात को तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा ना तब पता चलेगा। इतना कहकर कौशल्या दोनों बहनों को खाना नहीं देती है और दोनों बहनें रोते हुए पूरी रात अपनी बहन अनन्या को याद करती रहती है। उसी समय आधी रात में ही उस कूड़ेदान के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुक जाती है और उसमें से एक सुंदर और मॉडल लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम सौम्या था और वह एक बहुत बड़ी कंपनी में फैशन डिजाइनर का काम किया करती थी और वह उस दिन उस गांव में अपने काम के सिलसिले में आई हुई थी। लेकिन वापस जाते समय जब उसकी नज़र कूड़ेदान के पास पड़ी उस नवजात बच्ची पर पड़ती है तो वह अपनी कार से बाहर निकलकर उस बच्ची को अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ये इतनी छोटी सी बच्ची किसकी है और इसे यहाँ डस्टबिन के पास किसने छोड़ दिया। लगता है इस गांव में अभी भी पिछड़ी सोच वाले लोग रहते हैं, तभी तो किसी ने अपनी इस नवजात बच्ची को इस कूड़े के पास छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी और इसे एक अच्छा भविष्य दूंगी। इतना कहकर सौम्या अनन्या को अपने साथ शहर लेकर चली जाती है और शहर में अनन्या का वो अच्छे से ख्याल रखने लगती है और समय के साथ साथ सौम्या को भी अनन्या के साथ रहना अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और वह दोनों बहनें भी बड़ी हो जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी तब भी वैसी की वैसी ही रहती है क्योंकि कौशल्या उन पर अभी भी उतना ही अत्याचार करती है जितना कि वह बचपन में उन पर किया करती थी। ना ही उन्हें वो ठीक से खाने को देती है और ना ही उन्हें पहनने के लिए कपड़े देती है। लेकिन आज भी दोनों बहनें अपनी बहन अनन्या को याद कर रोती है। दीदी अगर आज हमारी बहन अनन्या भी यहाँ होती तो वो भी कितनी बड़ी हो चुकी होती ना। अच्छा हुआ काजल जो वो आज हमारे साथ नहीं है, वरना उसकी जिंदगी भी हमारे जैसे ही दुखों से भरी होती। लेकिन दीदी हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी बहन जिंदा है भी कि नहीं। और वहीं अनन्या को भी अक्सर सपने में अपनी दोनों बहनों की आवाज़ सुनाई देती थी, इसलिए वो हमेशा सौम्या से कहती थी, माँ मुझे अक्सर ऐसे सपने क्यों आते हैं जैसे मेरी कोई बड़ी बहन है और वो मुझे पुकार रही है। बेटा शायद इस दुनिया में तुम्हारी कोई बहन हो और वो तुम्हें हमेशा याद करती हो, इसलिए शायद तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। और इस तरह कहीं ना कहीं अनन्या के दिल को भी अपनी बहनों का इंतजार था। ऐसे ही एक दिन जब काजल केले के पेड़ से केला तोड़ रही होती है उसी समय उसके कपड़े पास के झाड़ में फंसकर फट जाते हैं और वो कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया, अब मैं ये फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार कैसे जा पाऊंगी। काजल तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा दीदी, क्योंकि ना तो माँ मुझे नए कपड़े दिलवाएगी और ना ही मैं ये फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही वहाँ गई तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। इतना कहकर काजल सुमन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर उस केले के पेड़ में से एक आवाज़ आती है,
चिंता मत करो सुमन और काजल, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने एक बच्चे की तरह ही मुझे यहाँ पर लगा कर मेरी सेवा की थी, तो उनके बच्चों के प्रति तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है ना। तो तुम लोग मेरे इन जादुई केले के पत्ते से अपने लिए किसी तरह की ड्रेस बना सकती हो, और ये ड्रेस कभी भी खराब नहीं होगा। क्या जादुई केले के पत्ते? इसका मतलब तुम एक जादुई केले के पेड़ हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बात तुम्हारी माँ को नहीं पता था, इसलिए शायद उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे मौका मिला है तुम लोगों की मदद करने के लिए, इसलिए तुम मेरे इस जादुई केले के पत्ते को ले जाकर अपने लिए किसी भी तरह की ड्रेस बना लो। इतना सुनकर सुमन और काजल जादुई केले के पत्तों को ले जाकर अपने लिए सुंदर सा गाउन बना लेती है, और उसी गाउन को पहनकर वह बाजार में केले बेचने जाती है, और उसी दिन सौम्या भी नए डिजाइन के चक्कर में फिर से उस गांव में आती है, और जब उसकी नज़र सुमन और काजल के केले के पत्तों से बने गाउन पर जाती है तो वह उनके पास जाकर उनसे कहती है, अरे वाह, केले के पत्ते का गाउन, ये तो एकदम यूनिक डिजाइन है, क्या ये गाउन तुम लोगों ने खुद बनाया है? जी मैम, वो हमारे पास कपड़े नहीं थे तो हमने इन केले के पत्तों से ही ये गाउन बनाया है। वाओ, सच में तुम लोग तो बहुत ही टैलेंटेड हो, क्या तुम लोग मेरे साथ काम करना चाहोगी? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी, तुम लोग चलो मेरे साथ। इतना कहकर सौम्या काजल और सुमन को अपने साथ शहर ले जाती है, और उन्हें भी अपनी ही कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी दिलवा देती है, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे भी देती है। और जब सौम्या उन्हें अपने घर पर खाने के लिए ले जाती है तो बातों ही बातों में अनन्या उन्हें अपने सपनों के बारे में बता देती है। उसी समय वह दोनों कहती है, क्या तुम्हारा नाम अनन्या है? क्या तुम सौम्या मैम को किसी गांव में मिली थी? हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि हम ही तुम्हारी वो आभागन बहन है जिसकी आवाज तुम अपने सपनों में सुनती हो। तुम मेरी बहन हो अनन्या। क्या आप लोग ही मेरी बहन हो? इतना कहकर वे तीनों बहनें एक दूसरे को गले से लगा लेती है और खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। और वहीं उन दोनों के जाने के बाद कौशल्या और सुरेश पूरी तरह से रोड पर आ जाते हैं और दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं, और इस तरह से उन लोगों को उनके किए की सजा मिल जाती है और उन तीनों बहनों को उनका इंसाफ। सौतेली बहन और जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना। बहुत समय पहले की बात है, सेवकपुर नामक गांव में सपना और काव्या नाम की दो सौतेली बहनें रहती थी। सपना के पिता और काव्या की माँ दोनों शहर घूमने गए थे। सपना बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काव्या बहुत ही घमंडी थी। वो हमेशा सपना को परेशान करती थी और नीचा दिखाने का कोशिश करती थी। काव्या हमेशा दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती और शॉपिंग किया करती थी। तभी एक दिन सपना काव्या से कहती है, काव्या, माँ पिताजी हमारे साथ नहीं है तो कम से कम तुम तो उसका गलत फायदा मत उठाओ। तुम सारे दिन घर से बाहर रहती हो और मैं सारे दिन घर का काम करती हूँ, कम से कम मेरे साथ रहकर थोड़ी तो मदद कर दिया करो। ओए सपना की बच्ची, मैं तेरी तरह काम करने वाली नहीं हूँ। मुझे दोस्तों के साथ बाहर घूमना और पार्टी करना अच्छा लगता है, और अगर तूने दोबारा से मुझे काम करने के लिए कहा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। चल अब जल्दी से जा और मेरे लिए एक ग्लास फ्रेश जूस लेकर आ। काव्या हमेशा सपना के साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। वो हमेशा सपना को खरी खोटी सुनाती रहती थी और उससे अपना और घर का सारा काम कराती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर से सपना की माँ और काव्या के पिता घूमकर वापस घर आ रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस बात की खबर जब सपना और काव्या को मिलती है तो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। हे भगवान, आपने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया? हम तो माँ पिताजी के लौटने का इंतजार कर रहे थे, अब हम माँ पिताजी के बिना कैसे रहेंगे? माँ पिताजी, आप दोनों को हमें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, हम दोनों आपके बिना कैसे रहेंगे? ऐसा कहकर सपना और काव्या दोनों रो रही थी। दोनों सौतेली बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देती है।
काव्य बहुत ही चतुर और चालाक लड़की थी। वो माँ पिताजी की मृत्यु के थोड़े ही दिन बाद सारे बैंक बैलेंस अपने नाम करवा लेती है और सपना के नाम पर कुछ भी नहीं रहने देती है। एक दिन सपना को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में अब 1 भी रुपए नहीं है। तभी सपना काव्य के पास जाती है और उससे कहती है, काव्य तुम हर रोज इतना खर्च कहाँ से कर रही हो, कल भी तुम बहुत सारी शॉपिंग करके आई हो, लेकिन आज जब मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो मेरे अकाउंट में 1 भी रुपए नहीं है। माँ पिताजी ने तो हम दोनों के अकाउंट में बराबर ही पैसे डाले थे ना। अरे ओ मूर्ख लड़की, मैंने अपनी चालाकी से तुम्हारे अकाउंट के सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए हैं, और इतना ही नहीं घर की सारी प्रॉपर्टी भी मैंने अपने नाम करवा ली है। अब तुम्हें रहने के लिए तुम्हारे पास घर भी नहीं है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो चुपचाप मेरी नौकरानी बनकर इस घर में रहो, वरना मैं तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी। काव्य ये तो बहुत गलत बात है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। माँ पिताजी के बैंक बैलेंस और घर पर तो मेरा भी अधिकार है, फिर तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना इस घर पर तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है। ओए 2 टके की नौकरानी, मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे जुबान लड़ा रही है, रुक जा, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर काव्या सपना के गालों पर खींच कर तमाचा लगाती है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी सपना कुछ नहीं कर पाती है। सपना के पास जो कुछ भी था काव्या ने अपनी चालाकी से सब कुछ छीन लिया था। बेचारी सपना इधर से उधर भटकती रहती है। तभी सपना को एक फूस की झोपड़ी के बाहर एक लाचार बूढ़ी अम्मा उदास बैठी दिखाई देती है। सपना उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और अम्मा से कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा आप यहाँ उदास क्यों बैठी हैं? क्या बताऊं बिटिया, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और अब इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुछ बना कर खाऊं। बिटिया मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं कुछ बनाकर खा भी नहीं सकती। अम्मा जी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, बचपन में ही मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके बाद पिताजी ने दूसरी शादी की, कुछ समय पहले सौतेली माँ और पिताजी भी हमें अकेले छोड़कर इस दुनिया से चले गए। एक सौतेली बहन थी, उसने मुझसे सारे धन दौलत और घर सब कुछ छीन लिया और मुझे धक्के मारकर घर से भगा दिया, और मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। कोई बात नहीं बिटिया, तुम मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रह सकती हो। सपना उस बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर खुश हो जाती है और अब सपना उस बूढ़ी अम्मा के साथ रहने लगती है। सपना उस बूढ़ी अम्मा का बहुत ख्याल रखती है। सपना बूढ़ी अम्मा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दोनों के बीच दादी पोती का रिश्ता बन जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अम्मा के पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो जाता है। तभी सपना अम्मा से कहती है, अम्मा अब तो घर के सारे राशन पानी खत्म हो गए हैं, जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं। अम्मा अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या करूं बेटा, अगर मुझ में ताकत होती तो मैं दोबारा से कपड़े सिलकर पैसे जमा कर लेती, लेकिन अब इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सिलाई कर सकूं। अम्मा सिलाई करना तो मुझे भी आती है, मैं फ्रॉक बहुत सुंदर सिल लेती हूँ। मैं घर चलाने के लिए सिलाई करूँगी और अपना और आपका ख्याल रखूँगी, ठीक है अम्मा? ठीक है बिटिया, जरूर हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इस जन्म में पोती ना होते हुए भी पोती मिली। तुम हमेशा खुश रहो बिटिया। ऐसा कहकर वो बूढ़ी अम्मा सपना को खूब दुआएं देती हैं। अब सपना खूब सुंदर सुंदर फ्रॉक सिलती है और उन्हें बाजार में बेचने जाती है। फ्रॉक ले लो, फ्रॉक सुंदर सुंदर फ्रॉक ले लो, अच्छे अच्छे डिजाइन की फ्रॉक ले लो। ऐसा कहकर सपना अपने हाथों से बनाए हुए फ्रॉक बाजार में बेच रही थी। सपना के हाथों से बने हुए फ्रॉक सच में बहुत सुंदर थे और सस्ते भी। थोड़ी देर में ही सारे फ्रॉक बिक जाते हैं। इसी तरह सपना अपना और बूढ़ी अम्मा का ख्याल अच्छे तरीके से रख रही थी। हमेशा की तरह आज भी सपना फ्रॉक बेच रही थी। तभी सपना के पास एक धनवान औरत आती है और वो सपना से कहती है, अरे सुनो लड़की, तुम्हारे फ्रॉक तो सचमुच में बहुत सुंदर है और मुझे 20 दिनों के अंदर 200 फ्रॉक चाहिए। मैं एक बहुत बड़ा इवेंट कर रही हूँ, उसमें सभी लड़कियों को फ्रॉक पहनना है, लेकिन क्या तुम मुझे 20 दिनों के अंदर 20 फ्रॉक बना कर दे सकती हो? हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, मैं रात दिन मेहनत करके आपको 20 फ्रॉक सिलकर दे दूंगी। आप चिंता मत करो आंटी जी, आपको 20 फ्रॉक मिल जाएगा।
मुझे 20 दिनों के अंदर में सारे ऑर्डर मिल जाने चाहिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये इवेंट बहुत बड़ा है तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैं पहले ही बता देती हूँ। ऐसा कहकर वो औरत सपना को एडवांस पैसे देकर चली जाती है। लेकिन तभी पास में खड़ी काव्या सारी बातें सुन लेती है और वो सोचती है, अरे मेरे पास तो अब घर भी नहीं रहा और ना ही बैंक बैलेंस। मैंने सारे पैसे फिजूल में दोस्तों के साथ शॉपिंग और पार्टियां करके खत्म कर दिए और आज ये दो कुड़ी की नौकरानी मेहनत करके मुकाम पर पहुंचने वाली है। नहीं नहीं, मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं इसे अपने ऊपर हंसने नहीं दूंगी, मुझे इसको रोकना पड़ेगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसा सोचकर काव्या सपना को बर्बाद करने का प्लान बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ सपना घर आकर अपनी दादी को 200 फ्रॉक के ऑर्डर के बारे में बताती है। ये सब सुनकर अम्मा भी खुश हो जाती है। सपना रात दिन मेहनत करके 20 दिनों के अंदर 200 फ्रॉक तैयार कर देती है। सपना बहुत खुश थी कि आज उसकी मेहनत रंग लाने वाली है और उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। सपना उन पैसों से अपना एक बुटीक खोलने का सोच लेती है। सपना के बहुत बड़े बड़े सपने थे। तभी एक रात काव्या सपना के सारे सपनों को चकनाचूर कर देती है। जब रात को सपना सारे काम करके अपनी दादी के साथ सो जाती है, तभी काव्या जहां फ्रॉक सिलकर रखे हुए थे वहां चुपके से आग लगा देती है और खुश होकर वहां से चली जाती है। लेकिन जब सुबह उठकर सपना ये सब देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सपना रोने लगती है। रोते हुए सपना अपनी दादी से कहती है, दादी ये सब कैसे हो गया, मैंने 20 दिनों से लगातार रात दिन मेहनत करके 200 फ्रॉक तैयार किए थे। अगर कल तक ये फ्रॉक मैंने नहीं दिए तो मुझे एडवांस के पैसे भी लौटाने होंगे और मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरी बुटीक खोलने का सपना भी अधूरा ही रह जाएगा। दादी ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं एक दिनों में इतने सारे फ्रॉक कैसे तैयार कर पाऊंगी। बिटिया तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे आज ये बात तुम्हें बताना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सपना बिटिया तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, यही पास में एक जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना है और वो जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना किसी को नजर नहीं आता, लेकिन तुम्हें वो जरूर दिखाई देगा। तुम वहाँ से जितना चाहो उतना फ्रॉक लेकर आ सकती हो। जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना तुम्हें फ्रॉक दे देगा, क्योंकि तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल की लड़की हो। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती हो और तुम बहुत मेहनती भी हो। अम्मा की ये बातें सुनकर सपना खुश हो जाती है और दादी के बताए हुए जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर एक जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना होता है। और वो वहाँ देखती है कि झरने से बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक बहकर नीचे आ रहे थे। तभी सपना जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरने से कहती है, हे जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या आप मुझे 200 फ्रॉक दे सकते हो। तभी गोल्डन झरने से आवाज आता है, लगता है तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल की लड़की हो, तभी तुम्हें ये जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना दिखाई दिया है। जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना बुरे लोगों को दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों को ही दिखाई देता है। मैं तुम्हें अपनी जादुई गोल्डन झरने से एक गोल्डन फ्रॉक देता हूँ, इस फ्रॉक से तुम जितने चाहो उतने फ्रॉक मांग सकती हो, ये जादुई फ्रॉक तुम्हें हमेशा फ्रॉक देते रहेंगे। ऐसा कहकर जादुई फ्रॉक का गोल्डन झरना सपना को एक फ्रॉक दे देता है और घर आने के बाद सपना और जादुई फ्रॉक से 200 फ्रॉक मांगकर उस धनवान औरत को दे देती है। उस औरत को सारे फ्रॉक बहुत ही पसंद आते हैं और तय किए हुए पैसों से ज्यादा पैसे सपना को देती है। सपना को अब एक के साथ एक बड़े बड़े ऑर्डर मिलते रहते हैं और सपना जादुई गोल्डन फ्रॉक के झरने के दिए हुए फ्रॉक से सारे ऑर्डर पूरा करती रहती है। और एक दिन सपना बहुत अमीर हो जाती है और वो अपनी दादी के नाम से शहर में बहुत बड़ा बुटीक खोलती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या ने सपना को बर्बाद करने की लाख कोशिश की, लेकिन सपना की अच्छाइयों की वजह से वो उसे बर्बाद नहीं कर पाई और अपने बुरे कर्मों की वजह से खुद सड़क पर आ जाती है। अब सपना अपनी दादी के साथ खुशी खुशी एक आलिशान बंगले में जिंदगी बिताती है। जादुई घमंडी अनार। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी। सीमा अपनी माँ के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके पिताजी की मौत हो गई थी।
उस दिन के बाद से उसकी माँ ने सीमा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ की उम्र भी बढ़ रही थी, उनकी काम करने की क्षमता भी कम हो रही थी। इस वजह से घर चलाने की सारी जिम्मेदारी सीमा के ऊपर आ गई थी। एक दिन सीमा अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ दूसरों के घर में काम करके घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे कोई और काम करना होगा। इसलिए मैं सोच रही थी हमारे घर के आंगन में जो बगीचा है वहाँ मैं एक अनार का पेड़ लगाऊं। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन पेड़ के बीज खरीदने के लिए तुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? हमारे घर में तो एक भी पैसे नहीं है। माँ मैंने काम करके कुछ पैसे जमा किए हैं, उन पैसों से मैं बीज खरीद कर ले आऊंगी, फिर अनार का पेड़ लगाकर उनका अच्छे से देखभाल करूंगी। बेटी अब तुम जिम्मेदार हो गई हो, तुझे जो सही लगे तू वही कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर सीमा बहुत खुश हुई। वो अगले दिन ही शहर जाकर अनार के बीज खरीद कर लाई और वो बीज अपने बगीचे में लगाई और उनका अच्छे से देखभाल करने लगी। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद अनार के पेड़ अब बड़े हो गए और उन पेड़ों पर अनार भी आ गए। ये देखकर सीमा को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक दिन सीमा अनार के पेड़ को पानी देने के लिए आंगन में गई। वहां जाकर जैसे ही उसने अनार के पेड़ पर पानी डाला तो उसने देखा उस अनार के पेड़ के नीचे एक डायन सो रही है। डायन के ऊपर पानी गिरते ही डायन बहुत गुस्सा होती है और कहती है, कौन है तू लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे ऊपर पानी कैसे डाल दिया, तूने देखा नहीं क्या कि मैं यहाँ सो रही हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको सच में नहीं देखा, मैंने जानबूझकर आपके ऊपर पानी नहीं गिराया, ये मेरा बगीचा है, मैं तो पेड़ों को पानी देने आई थी। लेकिन सीमा की बात सुनकर भी डायन का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो गुस्सा होकर सीमा से बोली, नहीं तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी कि तू जिंदगी भर इस गलती को याद रखेगी और तुझे अपने आप पर पछतावा होगा। ये कहकर डायन ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सीमा के अनार के पेड़ों के ऊपर जादू किया और हंसते हुए वहां से चली गई। सीमा को तब तो कुछ समझ नहीं आया और वो पेड़ों को पानी देते हुए सोचने लगी, लगता है कि ये डायन पागल है, इसके जादू से कुछ भी तो नहीं हुआ। ये कहकर सीमा अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह जब वो पेड़ों को पानी देने आंगन में आई तो उसने देखा उसके अनार के पेड़ों पर जो अनार हुए थे उन सब पर कीड़े लगे हुए थे और सभी अनारों पर काले काले धब्बे हो गए थे। ये देखकर सीमा को रोना आ गया। तब उसमें से एक अनार से आवाज आई, क्या हुआ, अपनी ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मुझे पता है आप उस जायन का एक जादुई अनार हो, मुझे आप माफ कर दो, मैंने बहुत मेहनत से अनार के बगीचे को बनाया है, अगर मैं ये अनार नहीं बेच पाई तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगी। यह तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, जब तक मैं इस बगीचे में हूँ तब तक मैं इस पेड़ पर एक भी अच्छा अनार नहीं होने दूंगा, और पागल तूने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हारे घर को आग से जला दूंगा। उस घमंडी अनार की बात सुनकर सीमा बहुत डर गई और अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटी, तुमने जानबूझकर उस डायन के साथ ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन माँ सारे अनार के ऊपर काले धब्बे आ गए हैं, मैं अब उनको कैसे बेच पाऊंगी, अगर मैं अनार को नहीं बेच पाई तो हमारा घर कैसे चलेगा। माँ बेटी जो तुमने अनार लगाया है उसमें बाहरी काले धब्बे हैं, पर अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, तुम एक बार शहर जाकर उन अनारों को बेच कर देखो। अपनी माँ की बात सुनकर सीमा उन पेड़ों पर से अनार तोड़ने लगी। ये देखकर जादुई अनार हंसने लगा और बोला, तुझे क्या लग रहा है, तू ये खराब अनार ले जाकर बाजार में बेच पाएगी, तू तो बहुत ही बेवकूफ लड़की है। लेकिन सीमा ने उस अनार की एक भी बात नहीं सुनी और उसने सभी अनार को बाजार ले गई। बाजार जाकर सीमा ने एक दुकानदार को अपना अनार दिखाया। उस अनार को देखकर दुकानदार बहुत गुस्सा हुआ और सीमा से कहा,
ऐ लड़की, ऐसे सड़े हुए अनार खरीदेंगे? तू हमें बेवकूफ समझी है क्या? नहीं भैया, ये अनार बाहर से ही सड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से अनार बहुत ही स्वादिष्ट है। आप ये अनार एक बार खरीद के तो देखिए। ये बात सुनकर दुकानदार बहुत गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को दुकान से भगा देता है। और सीमा रोते हुए अनार को लेकर चली गई और अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सीमा अपने अनार लेकर शहर की ओर जा ही रही थी तो रास्ते में सीमा को बेहोश हालत में एक बूढ़ा आदमी सड़क पर लेटा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर सीमा घबरा गई। ये साधु बाबा बेहोश हो गए हैं, मुझे इनको पानी पिलाना होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होंगे। ये कहकर सीमा भागते हुए अपने घर गई और वहाँ से पानी की बोतल लाकर उस बूढ़े बाबा को पिलाया। पानी पी के साधु बाबा होश में आ गए और सीमा से बोले, बेटी तुम कौन हो? तुमने यहाँ भगवान की तरह आकर मेरी जान बचाई है। बाबा, आपकी ऐसी हालत किसने की है? बेटी, मैं डायन को पकड़ने गया था, लेकिन वह बहुत ही ताकतवर निकली। उस डायन ने मेरा पीछा किया और भागते हुए यहाँ आकर बेहोश हो गया। लेकिन बेटी, तुम ये सड़े हुए अनार लेकर यहाँ क्या कर रही हो? उस साधु बाबा की बात सुनकर सीमा ने सारी बात बताई। ये सुनकर साधु बाबा ने कहा, बेटी इसमें जादुई पानी है, तुम जाकर इस जादुई बोतल में रखे पानी को अपने बगीचे के पेड़ में डाल दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो साधु बाबा वहाँ से चले गए और सीमा वो जादुई पानी लेकर अपने घर वापस चली गई। वहाँ जाकर जैसे ही सीमा ने पानी अपने बगीचे में छिड़का, तभी उस घमंडी अनार के ऊपर आग लग गई और वो घमंडी अनार जलकर राख हो गया और थोड़ी देर में ही सारे अनार गायब हो गए और उस घमंडी अनार की जगह सोने के अनार प्रकट हो गए। ये देखकर सीमा बहुत खुश हुई और खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से धीरे धीरे सोने के अनार बेचकर सीमा खूब पैसे कमाने लगी और कुछ दिनों में वो बहुत अमीर हो गई और उन पैसों से सीमा अपने रहने के लिए एक घर ले लेती है। उस घर में सीमा और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगती है। नदी में जादुई सैंडल का घर। सोनपुर गांव में आराध्या अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। सुनीता का इस दुनिया में अपनी बेटी के सिवा कोई नहीं था। सुनीता सैंडल बेचा करती थी और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, सुनीता जब शाम को घर आई तो वो बहुत ही ज्यादा उदास थी और वो जोर जोर से खांस पी रही थी। ये लो माँ, पानी पी लो। क्या हुआ माँ, आप इतने दुखी क्यों हो? क्या आज भी कोई सैंडल नहीं बिका? क्या बताऊं बेटी, आजकल हम गरीब से कौन सैंडल खरीदता है? आजकल तो सभी बड़े बड़े शोरूम और दुकानों से ही सामान खरीदते हैं। इतना बोलकर सुनीता जोर जोर से खांसने लगी। अरे माँ, आपकी खांसी तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। कब से कह रही हूँ कि किसी डॉक्टर को दिखा कर दवाई ले लो, लेकिन आपको तो मेरी बात ही नहीं सुननी होती है। अरे पगली, ये तो खुद ही सही हो जाएगा। खांसी होना कोई बीमारी थोड़ी ना है। और वो तेरा डॉक्टर अभी अगर उसके पास चली गई तो सीधा 500 रुपए की दवाई लिख देगा और हॉस्पिटल के चक्कर अलग कटवाएगा। मुझे इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। माँ, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। हमारे स्कूल वाले गुरुजी कहते हैं कि अगर खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा हो तो जांच करा लेनी चाहिए। अब चलिए मेरे साथ। और फिर आराध्या अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है। कुछ जांच करने के बाद डॉक्टर आराध्या से बोलती है, देखो आराध्या, तुम्हारी माँ को काफी टाइम से टीवी है। तुमने इन्हें यहाँ लाने में काफी देरी कर दी। हमें जल्द ही इनका इलाज शुरू करना होगा। जल्दी से काउंटर पर 1 लाख रुपए जमा करवा दो, मैं इनका इलाज शुरू कर देती हूँ। 1 लाख रुपए? डॉक्टर आप बस मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप प्लीज मेरी माँ का इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन कल तक पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए, वरना हम बीच में इलाज रोक देंगे। आराध्या हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर इतने सारे पैसों का इंतजाम वो भी एक दिन में वो कहां से करेगी। वो गांव के सेठ के घर गई
और उनसे 1,00,000 रुपए उधार मांगने लगी। आराध्या की बात सुनकर सेठ गुस्से से बोला, सुन लड़की, तूने मुझे पागल समझा है क्या? जो मैं तुझे 1,00,000 रुपए उधार दे दूंगा, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं भूखे लंगे लोग। पैसे तो ऐसे मांग रही है जैसे 5 रुपए मांग रही हो। चल निकल यहां से। रामू रामू, अरे कोई निकालो इस लड़की को यहां से, और ध्यान रहे यह दोबारा अंदर ना आ पाए। आराध्या रोते रोते वहां से आ जाती है। आराध्या को अपनी माँ की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही थी। वो वहीं पास के नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। मैंने डॉक्टर से तो कह दिया कि मैं पैसों का इंतजाम जल्द ही कर लूंगी, लेकिन मैं कहाँ से करूँगी। मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी प्यारी माँ, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। ये कहते हुए आराध्या जोर जोर से रोने लगी। आराध्या की सारी बातें वहीं पास में बैठी बूढ़ी औरत सुन रही थी। तब वो बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटी, क्या तुम अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? एक काम है, अगर तुमने उसे पूरा कर दिया तो तुम जितने चाहे उतने पैसे मुझसे ले सकती हो, लेकिन जैसा मैं कहूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। अम्मा, मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आराध्या, मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक परी हूँ। मैं एक बार इस नदी में स्नान कर रही थी, तभी मेरी जादुई सैंडल एक चुड़ैल ने चुरा ली, जिस वजह से मैं अब परीलोक नहीं लौट सकती। इसलिए मैं काफी बरसों से एक ऐसे इंसान की तलाश कर रही हूँ जो उस चुड़ैल से मेरी जादुई सैंडल लाने में सफल रहे। परी जी, मैं आपके जादुई सैंडल लाने में आपकी जरूर मदद करूंगी। आप बस ये बताइए, वो उस चुड़ैल ने आपके जादुई सैंडल कहाँ छुपाई है? ये काम इतना आसान नहीं है बेटी। एक नदी के बीचों बीच एक जादुई सैंडल का घर है, उसी घर के अंदर उस चुड़ैल ने मेरी सैंडल छुपाई है। तुम्हें वहाँ जाकर उस घर में से जादुई सैंडल लानी होगी। ये नदी तो बहुत गहरी है, और इस नदी के बीचों बीच मैं कैसे पहुँचूंगी? अगर मैं नदी में डूब गई तो? मुझे पता है बेटी, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। वो चुड़ैल वहाँ जाने वाले हर किसी पर नजर रखती है, और वो तुम्हारा रास्ता रोकने की भी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। तुम अपनी बुद्धि और बहादुरी से मेरी जादुई सैंडल वहाँ से लेकर आओगी। ये लो बेटी, तुम ये जादुई हेयर बैंड अपने बालों में लगा लो, इससे तुम नदी के गहराई में आसानी से चली जाओगी और पानी में भी नहीं डूबोगी। जादुई हेयर बैंड लगाकर आराध्या नदी में कूद गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे जादुई सैंडल का घर दिखाई दिया, लेकिन तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कहीं तो उस बूढ़ी परी की बातों में आकर यहाँ जादुई सैंडल लेने तो नहीं आई है? तुमने बिल्कुल सही समझा है, मैं यहाँ जादुई सैंडल लेने ही आई हूँ, और मैं यहाँ से उस जादुई सैंडल को लेकर ही जाऊँगी, और तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी तुम मुझसे ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम चुड़ैलों को क्या लगता है कि तुम सिर्फ अपनी जान किसी और चीज में कैद करके रख सकती हो? मेरी जान तो इस गेंद के अंदर है, हिम्मत है तो इसे पकड़ कर दिखाओ। इतना बोलकर आराध्या गेंद को दूर फेंक देती है। जैसे ही चुड़ैल उस गेंद को पकड़ने उसके पीछे जाती है, तभी मौका देखकर आराध्या उस चुड़ैल की चोटी काट देती है, क्योंकि उसने अपने गांव के लोगों से सुना था कि चुड़ैल की जान उसकी चोटी में होती है। चोटी काटते ही चुड़ैल भस्म हो जाती है। इस तरह आराध्या अपनी हिम्मत और सूझबूझ से उस चुड़ैल को मार देती है, और फिर उस जादुई सैंडल के घर में जाती है। वहां उसे 2 सैंडल दिखाई देता है। अरे, यहां तो 2 सैंडल है, इनमें से परी की कौन सी जादुई सैंडल है? अब मैं क्या करूं?
तब उन दोनों सैंडल में से एक सैंडल बोली, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी तो तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेगी और तुम्हें पूरी जिंदगी कुछ नहीं करना पड़ेगा, मगर उससे पहले तुम्हें उस परी को मारना होगा, तभी तुम ढेर सारे खजानों की मालकिन बन पाओगी। उसके बाद दूसरे सैंडल में से आवाज आई, आराध्या मैं वही जादुई सैंडल हूँ जिसे लेने तुम यहाँ आई हो, कृपया मुझे परी के पास पहुँचा दो। लेकिन हाँ, परी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने तुमसे झूठ बोला था कि वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देगी, लेकिन उनके पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें अपने साथ कौन सा जादुई सैंडल ले जाना है। बोलो आराध्या, तुम्हारा क्या फैसला है? मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मगर मैंने परी से वादा किया था कि मैं उन्हें उनकी जादुई सैंडल लाकर दूंगी। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। अगर परी मुझे कुछ नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी, मगर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। इतना बोलकर आराध्या दूसरा जादुई सैंडल लेकर परी के पास नदी के किनारे आ पहुँची और जादुई सैंडल परी को देते हुए बोली, ये लीजिए परी जी, आपके जादुई सैंडल। अब मुझे अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाना है, मैं चलती हूँ। आराध्या, वाकई में तुम नेक और ईमानदार लड़की हो। तुम्हें पता है ये दोनों जादुई सैंडल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बहुत ही ईमानदार लड़की हो। अब तुम ये जादुई सैंडल अपने साथ लेकर जा सकती हो, इससे तुम जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परी जी, इस जादुई सैंडल को मैं लेकर चली गई, तो फिर आप परी लोग वापस कैसे जाएंगी? आराध्या, मैंने जादुई सैंडल को एक बार अपने पैरों में पहन लिया है, अब मैं परीलोक वापस जा सकती हूँ। मेरी शक्ति मुझे वापस मिल चुकी है। अब तुम जाओ और अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाना और हमेशा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत परी के रूप में बदल गई और वो हवा में उड़ते हुए अपने परीलोक वापस लौट गई। वहीं दूसरी तरफ आराध्या घर आकर अपनी माँ के इलाज के लिए सैंडल से पैसे मांगती है और उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाती है। एक महीने बीत जाने के बाद उसकी माँ सुनीता पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर आराध्या के आंखों में आंसू आ गए और फिर सभी मिलजुल कर उस जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।